हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। क्रिएटिव मुस्कान में आपका स्वागत है। आज मैं मम्मी के लिए स्पेशल खाना बनाने जा रही हूँ। गाइज, संडे स्पेशल है, डेली तो बना नहीं सकती, लेकिन आज मुझे टाइम मिला है तो मैं मम्मी के लिए लंच बना रही हूँ। आज मैं मम्मी को लंच पे इनवाइट की हूँ गाइज, तो जब तक मम्मी नहा के आती है तब तक मैं अपना लंच बना के तैयार कर दूँगी गाइज। तो चलते हैं। आज मैं जीरा राइस बनाऊँगी, मसाला दाल बनाऊँगी और मसाला आलू बनाऊंगी। तो आज मैं बताती हूँ गाइस मैं कैसे खाना बनाती हूँ। देख लीजिए, मसाला दाल बनाने के लिए दाल मैंने धो के रख लिया है, टमाटर और प्याज मैंने कट करके रख लिया है, हरी मिर्ची भी कट करके रख लिया है, लहसुन अदरक की पेस्ट है, हल्दी है, गरम मसाला है, जीरा है, जीरा पाउडर है, धनिया पाउडर है और कश्मीरी मिर्च और नमक। गाइस चलते हैं मसाला दाल बनाने के लिए। गैस मैंने ऑन कर लिया है, इस पे कुकर डाल देती हूँ गाइस और इसको गरम कर लूँगी। तो गाइस कुकर गरम हो गया है, अब मैं इसमें 2 चम्मच घी डालूँगी। तो गाइस मैं इसमें थोड़ा सा तेजपत्ता डाल देती हूँ, थोड़ा सा जीरा, लहसुन अदरक का पेस्ट, इसको फ्राई करना है गाइस, थोड़ा सा लाल हो जाए, उसके बाद इसमें प्याज डालेंगे। तो गाइस इसमें प्याज डाल देते हैं अब। प्याज को भी फ्राई करना है गाइस हल्का सा। तो गाइस प्याज फ्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी। हल्का सा नमक गाइस। तो गाइस टमाटर गल गया है, मसाला डालेंगे। तो गाइस सबसे पहले थोड़ा सा हल्दी डालेंगे, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, नमक स्वाद अनुसार, कश्मीरी मिर्च, और हरी मिर्च मैं डालना भूल गई थी गाइस, मैं इसी में डाल रही हूँ। सबको मिला देंगे, हल्का सा पानी डाल देते हैं फ्राई करने के लिए। तो इसको भी फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा, उसके बाद इसमें दाल डालेंगे। फ्राई कर लिया है मैंने मसाला, अब मैं इसी में दाल डालूंगी। 5 लोगों के लिए दाल बना रही हूँ गाइस, देखिए कितना कम मसाला तेल में बन गया है। दाल मैंने धो के रख लिया था, चने की दाल है और रहर की दाल है। इसको दाल के साथ इसको फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा मसाला को, उसके बाद इसमें पानी डाल के सीटी लगा देंगे गाइस। तो गाइस तब तक फ्राई करते हैं। तो देख सकते हैं आप, दाल फ्राई हो चुका है, अब इसमें पानी डाल देंगे। जितना दाल है गाइस उससे थोड़ा सा ज़्यादा पानी डालेंगे, आप देख सकते हैं इसमें दाल दिख नहीं रहा है। अब इसमें सीटी लगा लेंगे गाइस, 3 या 4 सीटी में हो जाएगा। तो गाइस जब तक दाल में सीटी लगता है तब तक मैं जीरा राइस बना लूंगी। थोड़ा सा इसमें हल्दी डाल देना है गाइस कलर के लिए, थोड़ा सा घी डाल दूंगी गाइस, ये तब चावल सटेगा नहीं, और इसको अच्छे से मिला देना है इस तरह से। जीरा राइस बनाऊंगी,
इसके लिए गैस जला लिया है, टोपियाँ रख दिया है मैंने। टोपियाँ गर्म होने के बाद गाइस इसमें घी डालूंगी, थोड़ा सा जीरा डालूंगी। तो गाइस टोपियाँ गर्म हो चुका है, अब इसमें एक चम्मच घी डाल देती हूँ, जीरा डाल देते हैं। जीरा थोड़ा सा लाल हो जाता है तब चावल डालेंगे। तो गाइस अब मैं इसमें चावल डाल देती हूँ और थोड़ा सा इसको फ्राई करने के बाद पानी डाल देंगे। अब देख सकते हैं चावल फ्राई हो चुका है। अब आप जिस गिलास से चावल नापे हो, मैंने इस गिलास से नापा है, एक डेढ़ गिलास चावल है तो मैं ढाई गिलास पानी डालूंगी गाइस। और इसको ढक देंगे, कम फ्लेम कर देना है गैस को और इसको ढक देते हैं। तो गाइस मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है, कढ़ाई जब तक गर्म होता है तब तक मसाला आपको मैं दिखा देती हूँ। तो गाइस मैंने आलू काट लिया है, आप देख सकते हैं डी शेप में मैंने काट लिया है। इसके बाद गाइस में मैंने हल्दी, लाल मिर्च और काश्मीरी मिर्च, नमक, धनिया, जीरा सबका पेस्ट रख लिया है गाइस। और इसमें प्याज, लहसुन, अदरक और मिर्च सबको कस कर लिया है, इसे काट लिया है गाइस, देख सकते हैं आप। तो गाइस आप देख सकते हैं कढ़ाई गर्म हो गया, उसमें थोड़ा सा मैं तेल डालूंगी। उसके बाद आलू फ्राई कर लेंगे गाइस, तेल गर्म होता है तब तक। गैस को कम कर लीजिए और उसके बाद प्याज, अदरक ये सब का पेस्ट डाल दीजिए, देखते हैं टमाटर गल जाएगा ना इसमें। यह चावल चेक करने का आसान तरीका है, चम्मच सूखा हुआ होना चाहिए, देख सकते हैं चम्मच सूखा हुआ है। और इसमें इस तरह से करके डाल के देखिए, हल्का सा भी पानी नहीं लग रहा है गाइस, देखिए। और थोड़ा सा चेक भी कर लेते हैं गाइस, ये देखिए गाइस हो गया है चावल। इसमें सारा मसाला डाल दूंगी गाइस, हल्का सा पानी मसाला में मिला लेते हैं, हल्का सा पानी मिला लिए हैं गाइस और सारा मसाला इसमें डाल दूंगे। गैस को कम कर दीजिए वरना जल जाएगा, साथ में फ्राई हो जाएगा। थोड़ा सा फ्राई मैंने मसाला कर लिया था, देख सकते हैं। तो गाइस अब देख सकते हैं आलू मसाला बनके हो गया है तैयार, देखिए आलू कितना अच्छा पक गया है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि मेरा आलू हो गया है तैयार, आलू मसाला, आलू कितने अच्छे से पक गया है गाइस, आप देख सकते हैं। तो मैं अब गैस बंद कर रही हूँ और चलते हैं गाइस मम्मी के लिए खाना लगाते हैं। गाइस चलते हैं थाली लगाते हैं, चलते हैं मम्मी को खिलाते हैं, टेस्ट करवाते हैं। गाइस आप देख सकते हैं कि मम्मी को मैं खाना ला के दे दी हूँ, मम्मी खा के बताओ। कैसा बना मम्मी? वेरी नाइस। अच्छा बना? बहुत ही अच्छा। गाइस आप देख सकते हैं मम्मी का रिव्यू, कम खर्च में बहुत ही सुंदर खाना, बहुत ही सुंदर खाना। गाइस बाय। बोलो मम्मी, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, लाइक करें, शेयर करें करें और सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करें।